दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए ताकि लोगों को पता चले। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक प्रॉब्लम, जो हम लोग गाड़ी में काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले हम लोग हैं जाहिद भाई है, मैं है और एक वकार को तो आप जानते हो, जाहिद भाई को भी आप जानते हो। तो दोस्तों ये गाड़ी में प्रॉब्लम था कि हम लोग जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते थे और एक्सीलरेटर जैसे ही देते थे, स्टार्ट करने के बाद एक्सीलरेटर देने के बाद इंजन पूरा झटका मारता था। झटका मारने से पूरा वाइट धुआं फेंकता था, स्मोक, वाइट स्मोक। तो यही प्रॉब्लम हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, हम आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है और क्या कहाँ तक काम शुरू हो चुका है। आधा तो काम हो गया है, अभी थोड़ा जो बचा है वो हम आपको दिखाएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या नहीं था, वो बताने वाले हैं हम आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, जाहिद भाई फिटिंग कर रहे हैं हेड टर्बो साइड का, जाहिद भाई फिट कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम था दोस्तों, इसमें वाल लीकेज हो गया था, वाल सीट गाइड भी ख़राब हो गया था और इसका टैपेट सिक्का भी टूट गया था। हम लोग ने इसको बना दिए इस प्रॉब्लम के लिए, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों ये फिटिंग होने के बाद हम लोग चेक करने वाले हैं प्रॉब्लम सोल्व हुआ है या नहीं हुआ है। प्रॉब्लम तो सोल्व ही हो गया है, फिर भी आपको हम बता देंगे कि प्रॉब्लम सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे एग्जॉस्ट वाल का भी प्रॉब्लम नहीं था, वायरिंग का भी प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी हेड फिटिंग कर रहे हैं हम लोग, हेड रिपेयरिंग होके आ गया है लेथ में से। अभी सब फिटिंग करने के बाद हम स्टार्ट करके देखेंगे कि जाहिद भाई इसका काम कर रहे हैं। ये साइड का तो पूरा हो गया है, खाली टैपेट कवर लगाना है, टाइमिंग बेल्ट भी लग गया है, सिर्फ जाहिद भाई के साइड का बाकी है। हम टैपेट कवर लगा के फिर वो पूरा फिटिंग करके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाड़ी को। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हम टैपेट रिंग लगा रहे हैं, ओरिजिनल वाला है ये। टैपेट रिंग लगाने के बाद टैपेट कवर फिटिंग करेंगे दोस्तों। इसमें ट्यूब नहीं लगाने का, कोई कोई मैकेनिक इसमें ट्यूब लगाता है, इसमें ट्यूब लगाने का नहीं रहता है। ये इस तरह फिटिंग होता है, सीधा बेड़ी आता है ये, इसमें ट्यूब कुछ नहीं लगता है, सीधा ऐसा ही फिटिंग करना रहता है। ट्यूब नहीं लगाओगे तो भी लीकेज नहीं होगा, ट्यूब लगाओगे तो भी लीकेज नहीं होगा, उससे अच्छा ट्यूब लगाने का ही नहीं। ट्यूब लगाते हो तो एकदम ख़राब जैसा दिखता है। तो हम लोग इसको टैपेट कवर को फिटिंग करने वाले हैं। ये देखिए बैठ गया है, यहाँ पर बैठता है ये साइड पे, ये पूरा टैपेट कवर इसमें बैठता है। देखिए दोस्तों टैपेट कवर ऐसा बैठता है, ऐसा लगता है इसके अंदर। फिर यहाँ पे एलन की बोल्ट आते हैं इस तरह के, नए मॉडल में ऐसा आता है,
ऑल मॉडल में अलग टाइप का आता है, ये साइज़ का बोल्ट आता है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पूरा फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। ये साइड का भी फिटिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत बाकी है। जाहिर मैंने इतना कर दिए कि थोड़ा बहुत बचा है। हम लोग स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे गाड़ी को। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों हम लोग ने टर्बो भी नया डाल दिया है इसके अंदर। इसके अंदर टर्बो में भी प्रॉब्लम था, इसका कोर आता है टर्बो का कोर, ये भी नया डाल दिया हम लोगों ने। तो दोस्तों टर्बो कभी भी ओरिजिनल डालिएगा टेल कंपनी का। ये देखिए आपको दिख रहा है नया ओरिजिनल, दोस्तों टेल कंपनी का आता है, तो टेल कंपनी का ही डालिएगा, दूसरी कोई कंपनी का मत डालो। टेल कंपनी का ओरिजिनल रहता है, बाकी सब तो मार्केट में बहुत बिकता है, और ओरिजिनल जो रहता है वो टेल कंपनी का ही रहता है। जो कंपनी से फिटिंग आया हुआ रहता है वो टेल कंपनी का रहता है। इसमें टर्बो में ये भी प्रॉब्लम था, तो चलते चलते उसका जो अंदर का फैन आता है, अंदर का पंखा, वो रुक जा रहा था धीरे धीरे। जैसे अपन रेस करे तो रुक रुक के चल रहा था, और उसकी वजह से उसको वाल सीट भी ख़राब हो गया था, गाइड भी ढीली हो गई थी, मतलब हेड में पूरा काम आ गया था। तो इसका हेड हम लोग ने हेड भी बनवा लिए, टर्बो भी इसका नया डलवा दिए, ये वाला हम लोग ने इसका हेड भी बनवा लिए और इसका टर्बो भी हम लोग ने नया डलवा दिए, देख सकते हो आप। इसका कॉर्न टर्बो का, तो चलिए देखिए दोस्तों पूरा इंजन कंप्लीट हो चुका है। हेड पूरा कंप्लीट हो चुका है, वायरिंग सब तरफ पूरा। तो दोस्तों वो साइड का भी हम लोग दिखाते हैं आपको, पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए दोस्तों ये साइड का भी पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अब बाकी है रेडिएटर लगाने का और टाइमिंग कवर लगाने का। क्योंकि हम लोग इसके लिए बाकी रखते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम लोग ये सब पूरा फिटिंग करते हैं, टाइमिंग कवर फिर रेडिएटर, इसीलिए हम गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही फिटिंग करते हैं पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों अब उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग एयर काढ़ के। हम लोग यहाँ से पहले एयर काढ़ेंगे 3 नंबर नोज़ल में से, उसके बाद 2 नंबर नोज़ल में से काढ़ेंगे, उसके बाद 3 नंबर नोज़ल में से काढ़ेंगे। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इसका जो सॉकेट रहता है इंजेक्टर नोज़ल का, तो ये काढ़ के आप एयर काढ़िएगा। अगर आप ये लगा के एयर काढ़ते हो तो इसमें नोज़ल लॉक हो जाते हैं, तो ये सॉकेट काढ़ के आप एयर काढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एयर ये सॉकेट अगर आप ये सॉकेट लगा देंगे तो सीधा नोज़ल लॉक हो जाएगा, नोज़ल लॉक हो जाते हैं। पहले स्टेप में आपको समझाऊंगा, पहले एक नोज़ल में से काढ़ो, 3 नंबर में से काढ़ो, 2 नंबर में से निकालने का, फिर एक नंबर में से निकालो, उसके बाद डायरेक्ट आप सेल मारो। सेल मारने के बाद एक नंबर में से एक बार और एयर निकालिएगा। एयर निकालने के बाद चाबी बंद करके, चाबी ऑफ करके तीनों सॉकेट लगा दीजिएगा, तीनों सॉकेट इंजेक्टर का लगाने के बाद फिर स्टार्ट करें वो गाड़ी, फिर स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा नोज़ल के अंदर इंजेक्टर में। तो चलिए दोस्तों हम लोग ने गाड़ी कंप्लीट कर दी है, इंजन हेड जो बना रहे थे हम लोग वो पूरा कंप्लीट कर दिए है। अब हम आपको दिखाते हैं हेड गाड़ी स्टार्ट करके कैसी चालू हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं, चाहे स्टार्ट करने वाले हैं गाड़ी, चेक करेंगे अभी। एयर वेयर सब निकाल दिए हम लोगों ने, ये जाहिद भाई बैठे हैं, अभी सेल मारने वाले हैं। स्टार्ट करो,
गियर में है गाड़ी। ठीक है दोस्तों, चालू हो चुकी है। ये हमारे जाहिद भाई है दोस्तों। Yeah.